असलम एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑफ यू वेलकम बैक टू माई चैनल होप यूल गुड टुडे अवर टॉपिक इज फ्रैक्शन फ्रैक्शन क्या होता है फ्रैक्शन किसको बोलते हैं होल आरस फ्रैक्शन क्या होते हैं पार्ट्स ऑफ अ होल इसका मतलब क्या है पार्ट्स होल का हमारे पास एक रोटी है ये यह पे डिनोट करती है होल यहाँ पे क्या है होल होल मतलब फुल ये एक है एक है ये फुल एक अब जब हम इसके हिस्से करेंगे यहाँ पे मैंने इसके हिस्से की है दैट मींस ये क्या है? इसके हो गए ये पार्ट्स बन गए ये जो दो हिस्से हो गए इसके ये पार्ट्स बन गए अब पहले क्या थी ये पहले ये होल थी अब इसके क्या बन गए पार्ट्स यही होता है फ्रैक्शन पार्ट्स ऑफ होल आर कॉल्ड फ्रैक्शंस जब हम एक के हिस्से करते जब एक पूरा कोई क्वांटिटी होती है पूरा कोई हिस्सा होता है उसके जब हम हिस्से करते हैं पार्ट्स करते हैं वो फ्रैक्शन कहलवाता है अभी जो हमारे पास जो रोटी थी ये फुल थी होल थी होल मतलब ये एक थी ठीक है अब हमने इसके हिस्से किए कितने पार्ट्स किए इक्वल पार्ट्स किए कितने किए दो किए तो हमने इसको दो पार्ट्स किए ये जो वन है ये होल है ठीक है हिस्से कितने किए पार्ट्स ये हमने पार्ट्स किए इसके दो ये जो हमें नंबर फॉर्म हो गया इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शंस अब क्या होता है फ्रैक्शन जहाँ पे पार्ट्स ऑफ अ होल जब हम होल के पूरे एक के जो हिस्से करते हैं पार्ट्स के करते हैं उसको हम फ्रैक्शंस कहते हैं अब अगर हम इस रोटी के चार हिस्से करते हैं कितने के वन टू थ्री फोर तो क्या हो गया होल था हमारे पास होल हमारे पास वन था कि एक रोटी थी इसके अब हमने कितने हिस्से किए अब हमने इसके चार हिस्से किए तो ये वन जो था ये होल था हिस्से कितने किए चार किए इसका पार्ट बन गए ये टोटल ये पार्ट्स ऑफ अ होल क्या बन गया ये बन गया फ्रैक्शन ये हमारे पास बन गया फ्रैक्शन अब फ्रैक्शन में क्या होता है फ्रैक्शन में न्यूमिरेटर भी होता है और इसमें डिनोमिनेटर भी होता है फ्रैक्शन में न्यूमिरेटर भी होता है और डिनोमिनेटर भी होता है इज इट क्लियर क्या होता है फ्रैक्शन फ्रैक्शन आर पार्ट ऑफ अ होल जब हम एक के हिस्से करते लेकिन जो फ्रैक्शन में हिस्से होते हैं पार्ट्स होते हैं ये इक्वल पार्ट्स होते हैं होता है ये इक्वल पार्ट्स होते हैं अन पार्ट्स नहीं होते हैं ऐसे अगर हमारे पास एक चॉकलेट है ये जो चॉकलेट है ये पूरे में एक होल है ठीक है ये एक चॉकलेट है हमारे पास अब हमें इसके पीसेस करने हैं हमारे पास टेन बच्चे हैं तो हमें इसके कितने पीसेस करने हैं टेन तो हमने इनको टेन पीसेस किए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट Nine, अब हमने इस चॉकलेट के पीसेस किए टेन पी मतलब होल को हमने कितने हिस्सों में किया? इक्वली हमने पार्ट्स किए इसके कितने टेन तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन गया वन बाई टेन मतलब एक को कितना मिलेगा एक बच्चे को एक बच्चे को मिलेगा वन बाई टेन पार्ट इसमें न्यूमिरेटर भी आता है और इसमें डिनोमिनेटर भी आता है इज इट क्लियर अब है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन हमारे पास सेवन टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस है कौन कौन सा है एक है प्रॉपर फ्रैक्शन दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तीसरा है फ्रैक्शन फोर्थ है लाइक फ्रैक्शन सेवेंथ है यूनिट फ्रैक्शन अब हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमिनेटर जो होता है वो होता है लेस देन डिनोमिनेटर प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमिनेटर होता है लेस देन डिनोमिनेटर यहाँ पे अगर हम एक फ्रैक्शन लेंगे 3 5. यहां पे क्या है छोटा है डिनोमिनेटर से फाइव इसका डिनोमिनेटर है प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमिनेटर जो होता है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर सेकेंड फ्रैक्शन जो हमारे पास है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमिनेटर होता है वो होता है ग्रेटर देन डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से अगर हम इसी फ्रैक्शन को उल्टा करेंगे हम फाइव डिवाइड बाई थ्री इसका मतलब क्या है जो फाइफ है वो न्यूमिनेटर है थ्री इसका डिनोमिनेटर है यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से तो ये कौन सा फ्रैक्शन है ये फ्रैक्शन है इसके बाद है फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें होल भी प्रेजेंट होता है इट कंसिस्ट होल एज वेल एज पार्ट इसमें होल भी आता है और पार्ट भी आता है फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे वन एंड एंड हाफ हाफ का मतलब क्या है है एक तो एक है एक 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 तो पूरा पूरा हमारे पास और दूसरे का क्या है हाफ है दूसरे का हाफ का मतलब क्या है दूसरे का वन बाई टू होगा इस फ्रैक्शन को हम बोलते हैं मिक्स मिक्सड फ्रैक्शन जिसमें होल भी होता है ये जो नंबर इसका है, ये क्या है होल ये एक पूरा है और दूसरे और क्या है इसके साथ दूसरे का हाफ है तो ये इसका क्या बनता है ये पार्ट बनता है ये फ्रैक्शन बनता है तो इस फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं मिक्सर्ड फ्रैक्शन जिसमें होल भी होता है और पार्ट भी होता है यहाँ पे हम बोल सकते हैं दूसरा नंबर यहाँ पे टू जो है टू है होल और वन बाई थ्री क्या है पार्ट इसका तो मिक्सर्ड फ्रैक्शन में क्या होता है इसमें होल भी होता है और पार्ट भी होता है उसके बाद जो फोर्थ फ्रैक्शन है वो है लाइक like फ्रैक्शन लाइक like फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम होता है इसका जो डिनोमिनेटर हमारे पास दो से ज़्यादा फ्रैक्शन होते हैं जिनके डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं सेम होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन्स लेंगे फाइव बाई टू कॉमा सेवन बाई टू कॉमा ट्वेल्व बाई टू हमने तीन फ्रैक्शन यहाँ पे लिए लेकिन इन तीनों फ्रैक्शन में क्या सेम है न्यूमरेटर तो डिफरेंट है लेकिन डिनोमिनेटर क्या है इसमें सेम है तो इस फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है उन फ्रैक्शन को हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन अब लाइक like फ्रैक्शन कौन से फ्रैक्शन होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है अब अनलाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन फिर कौन से फ्रैक्शन होंगे अनलाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शनस होंगे जिनका जो डिनोमिनेटर होता है वो डिफरेंट होता है यहाँ पे जो हमारे पास है फाइव बाई थ्री नाइन बाई फोर एट बाई फोर नाइन बाई सिक्स तो जो ये तीनों फ्रैक्शन है तीनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स क्या है डिफरेंट है तो ये कौन सा फ्रैक्शन है अनलाइक फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन मेंटर्स तो डिफरेंट होते हैं लेकिन डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं सेम होते हैं अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं अब है इक्वलेंट फ्रैक्शन इक्वी फ्रैक्शन कौन से फ्रैक्शंस होते हैं इक्वेलेंट फ्रैक्शंस आर फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू इवन दे आर डिफरेंट इक्वेल्ट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं ये दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस होते हैं जो दिखने में अलग लगते हैं दिखने में डिफरेंट लगते हैं एक दूसरे से अलग लगते हैं लेकिन जब उनको हम सॉल्व करते हैं उनका जो वैल्यू होता है वो सेम होता है अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे एग्ज़ाम्पल लेंगे टू बाई फोर यहाँ पे हमने तीन फ्रैक्शंस लिए कौन से फ्रैक्शंस है लाइक like फ्रैक्शंस है या अनलाइक फ्रैक्शंस है तीनों जो फ्रैक्शंस है इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है इसका मतलब ये कौन से फ्रैक्शन है अनलाइक फ्रैक्शन है ठीक है प्रॉपर फ्रैक्शन है इम प्रॉपर फ्रैक्शन है इन तीनों के जो डिनोमिनेटर है वो है ग्रेटर देन न्यूमरेटर इसका मतलब ये कौन से फ्रैक्शन है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है इनका जो न्यूमिनेटर है वो छोटा है किससे डिनोमिनेटर से अब हमें देखना इक्वैलेंट फ्रैक्शंस किसको बोलते हैं यहाँ पे ये जो तीनों फ्रैक्शंस है दिखने में डिफरेंट लगते हैं टू बाई फोर सिक्स बाई ट्वेल्व एट बाई सिक्सटीन लेकिन अगर हम इनको कैंसलेशन करेंगे यहाँ पे टू वन आ टू 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 आ फोर सिक्स वन आ सिक्स सिक्स टू आ ट्वेल्व एट वन आ एट एट आ सिक्सटीन तो तीनों फ्रैक्शंस का जो वैल्यू है वो क्या है वन बाई तो ये फ्रैक्शन क्या कहलाता है ये आपस में इक्विवेलेंट वैलेंट फ्रैक्शन है क्योंकि इनका वैल्यू सेम है अगर हम इसको ऐसे भी नहीं टू बाई फोर को ऐसे ही रखेंगे ठीक है यहाँ से हम इनको भी कैंसिलेशन टू बाई फोर के बराबर ला सकते हैं इन दोनों फ्रैक्शन को थ्री टू आ सिक्स थ्री फोर आर ट्वेल्व फोर टू आ एट फोर फोर आन तो ये सारे फ्रैक्शन किसके बराबर आए टू बाई फोर के बराबर आए इसका मतलब ये कौन से फ्रैक्शन है ये इक्विवेलेंट वैलेंट फ्रैक्शन है होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल इसके बाद जो सेवेंथ फ्रैक्शन है हमारे पास वो है यूनिट फ्रैक्शन यूनिट फ्रैक्शन कौन सा फ्रैक्शन होता है यूनिट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर वन होता है यूनिट फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो वन के बराबर होता है जैसे यहाँ पे हमने लिखा वन बाई थ्री वन बाई टू ये कौन सा फ्रैक्शन है या यहाँ पे जो वन बाई टू आया ये यूनिट फ्रैक्शन है यूनिट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जिसका जो न्यूमरेटर है वो वन के बराबर आता है Hai. Is it clear? Hope you understand. Thank you for watching.